हाय, गुड इवनिंग। आज हम लोग काम कर रहे हैं सुजुकी 64 का ऊपर, जो 6 मिनोर हार्मोनिका है। इसमें हम लोग 8th होल नी को रिप्लेस किया है, 8th होल नी। अब इसको इस वर्कशॉप का सबसे इंटरेस्टिंग बात जो आपको मैं ना शेयर करके अपने आप को रोक नहीं पाया, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, आप जस्ट इसका रीड प्लेट देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 10 मार्च 2012 का डेट स्टैम्प है। कहने का मतलब ये है, ये इस डेट के साथ और 1 साल 1.5 साल अगर भी जोड़ लेते हैं तो फिर भी करीब 8 साल पहले का खरीदा हुआ हारमोनिका है। अभी एक इंडियन हारमोनिका में एक बहुत ही जाने माने हारमोनिका वादक का हारमोनिका है। तो कैन यू इमेजिन दैट 2012-13 का खरीदा हुआ हारमोनिका का फर्स्ट टाइम रीड चेंज हो रहा है सुजुकी के अंदर। ये अपने आप में एक एग्जांपल है जे सुजुकी का रीड का क्या क्वालिटी है। आप जस्ट इस चीज़ को समझिए। ये सारे अपना विंडसर्वर हब्स होते हैं, सुजुकी का विंडसर्वर हब्स का पैटर्न इस तरीके से होता है। तो यही चीज़ है जे आपका हारमोनिका चूज़ करने का जो प्रोसेस है वो सारे एक टेक्निकलिटी का ऊपर है। बट हम क्या कर देना, हम पूछ लेते हैं इसका आवाज़ कैसे है, सुरेला है, मीठा है, किसका क्या है। आवाज़ का सब कुछ चीज तो सही है, नोट्स आपको वही बजते हैं, बट जिस चीज के ऊपर ये आवाज़ टिकी हुई है वो है आपका बेसिक जो 3-4 चीज़ें हैं, जिसमें से रीड एक बहुत बड़ा अफेक्टेड है। रीड के ऊपर द क्वालिटी ऑफ विंडसेवर क्या लगी हुई है, आपका बैक एंड में इसका कॉम का क्या क्वालिटी है, ये सारे मैटर करते हैं। फिर आपका ये जो जितना कंपोनेंट है ना, माउथ पीस, स्लाइडर, स्प्रिंग, ये सारे चीज। तो कहने का मतलब ये है, सिर्फ एक ही पैरामीटर को मानते हुए कंपैरिजन करना ये अच्छा है वो बुरा है ऐसे कुछ नहीं। मैं ऑलवेज ये बोलता हूँ, आपका हारमोनिका का कंपैरिजन करना है। हाँ, आवाज़ ऑब्वियसली एक फैक्टर है, साथ में आपको ये जानना जरूरी है ड्यूरेबिलिटी किसका है और रिपेयरिंग कॉस्ट का क्या वेरिएशन है। सुजुकी हारमोनीस का हारमोनिका का रिपेयरिंग चार्जेस कैसे हो सकता है, मतलब ओवरऑल जैसे हमको प्लान करके चलना है। और हम लोग जैसे इंडिया में हर चीज़ का हिसाब करके ही हम करते हैं, तो कौन सा हारमोनिका लेना है उसमें आपका ऑब्वियसली हारमोनिका का टेक्निकलिटी में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यही मेरा संदेश था। तो इसी तरीके से देखते रहिए, आने वाला टाइम पे देखते हैं और कौन कौन से वीडियो, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन सबको शेयर किया जा सकता है। थैंक यू।